तुम जिस तबलीगी जमात को बुरा भला कहते हो, तुम जिस तबलीगी जमात को गालियां देते हो, तुम जिस तबलीगी जमात को काफिर कहते हो, देखो उन तबलीगी जमात वालों ने क्या किया है। उन तबलीगी जमात वालों ने उम्मत के बहुत बड़े तबके को बेदीनी के माहौल से निकाल कर मस्जिद के माहौल में लाया है। हाँ, ये फ़िक्र करते हैं कि कैसे हमारे नबी की उम्मत मनचाही ज़िंदगी को छोड़कर रब चाही ज़िंदगी पर आ जाए। यही तबलीग की मेहनत आज पूरी दुनिया में हो रही है। कैसे कैसे बड़े बड़े डाकुओं ने अपनी ज़िंदगियों से तौबा की, ये तबलीग की मेहनत की बरकत है। ये तबलीगी जमात की नकल व हरकत की बरकत है। आज कई लोगों ने अपनी मनचाही ज़िंदगी को छोड़कर रब चाही ज़िंदगी को अपना लिया है। अरे कुछ तो शर्म करो, बस तबलीग वालों को गालियां देते हो, तबलीग वालों को बुरा भला कहते हो, तबलीग वालों को काफिर कहते हो। अरे कभी तबलीग वालों के जैसा काम करके देखो, कितना सुकून मिलता है, कितनी राहत मिलती है। अल्लाह पाक तबलीगी जमात की मेहनतों को, उनकी कोशिशों को, काविशों को, उनकी क़ुरबानियों को, उनके मुजाहदों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला उम्मत के अंदर हिदायत के फैसले फरमाएं। आमीन।